50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी सहित भूमि की मांग। सिंह निवास पर 3 की मौत का मामला, 1 महीने का अल्टीमेटिव, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंह निवास पर कल बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीन वाहन से बाइक टकरा गई थी, इसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। आज भीम आर्मी सहित बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मृतक की पत्नी लक्ष्मी जाटव स्वर्गीय कमर सिंह जाटव निवासी ग्राम खरई भाट ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया कि कल सुबह 9 बजे मेरे पति और मेरे ससुर जनवे ठाकुरी जाटव मोटरसाइकिल से शिवपुरी इलाज कराने जा रहे थे, तभी सिनेवास गांव के पास स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीन वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और छोटे मोटे 4 बच्चे हैं, इसलिए पत्नी की मांग है कि 2 सदस्यों को शासकीय नौकरी और आर्थिक सहायता, 50 लाख रुपए और 5 हेक्टेयर भूमि और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। मेरे पति कमर सिंह जाटव और मेरे पति के पिताजी जनवेद जाटव, पुत्र बैजू जाटव और बड़े ससुर ठकुरी जाटव की घटना में मृत्यु हुई है। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष धनीराम चौधरी ने बताया कि ये 3 मांग अगर पूरी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और एक महा का अल्टीमेटम भीम आर्मी की तरफ से दिया जाएगा। भाई साहब आपका? मेरा नाम धनीराम चौधरी है, बहुजन समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो कि कुछ समस्या को लेकर आए हो? समस्या बहुत दर्दनाक घटना घटी है, जाटव समाज के साथ हरी भाट का रहने वाला था कमर सिंह जाटव। कमर जाटव अपने पिता जनवेद और ठकुर जाटव को मोटरसाइकिल से इलाज कराने के लिए लेके आ रहे थे। सिंहवास रोड पर वैक्सीन की जो गाड़ी जिला शिक्षालय शिवपुरी की, तेजी व लापरवाही चलाते हुए ड्राइवर ने जबरदस्त उनको रौंदा गया और घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। पूरा जाटव समाज, बहुजन समाज बहुत चिंतित है, बहुत पीड़ा में और बहुत कलेश का मातम छाया हुआ है। बिल्कुल गरीब परिवार हैं, इसलिए कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया है कि आज उनको खाद्यान्न की व्यवस्था, सहायता राशि, बच्चों शिक्षा दीक्षा पढ़ने हेतु पालन पोषण 50 लाख रुपए की मांग कीजिए इस परिवार के लिए। और पैसा तो ठीक है, जो भी मिल जाएगा, शासन जो भी नियम अनुसार देगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस परिवार को शासकीय नौकरी दिलाई जाए, शासकीय नौकरी दिलाई जाए जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण होता रहेगा। और जिस जन ये राजन जाटव, इसके पिता भाई खत्म हो गया, पिताजी खत्म हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए नौकरी मिली जाए। राजेंद्र की मैंने 2 मांग करी है, एक तो कमर सिंह पत्नी के लिए, एक राजन जाटव के लिए। साथ मेरा विशेष निवेदन है कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ से कहीं से कहीं किसी कोटे से या छात्रावास में कहीं भी कहीं व्यवस्था करे या आंगनबाड़ी में व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने हमें आश्वासन दिया, ये मेरा निवेदन किया मैंने। क्या क्या आश्वासन लग रहे थे? सर साहब ने बोला कि मैं व्यवस्था कर दूंगा, चिंता नहीं करें, ये बोला करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सगर है, पूर्व विधानसभा प्रभारी हूँ जिला समाज पार्टी बीमारी से जी कुछ और से। तो आज आप कलेक्टर ऑफिस आए क्योंकि समस्या को लेकर आए? जो अभी हाल ही घटना हुई थी। क्या घटना थी? जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था? इलाज के लिए जा रहे थे वो लोग, गाड़ी टकरा के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। काई से हुआ था? वो डीसीएम है, मैक्सी वैन है, गवर्नमेंट है। तो क्या है, घटनाएं तो बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। ये ज्ञापन दिया है पूरी समाज की तरफ से। हम ये चाह रहे हैं इस परिवार को, क्योंकि ये भाई अकेला रह गया है, शासन प्रशासन कलेक्टर साहब ने बल्कि हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा मिलेगा। हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 1 महीने का समय दे रहे हैं, 1 महीने में जो हमारी मांगे हैं आपको ज्ञापन दे दिया जाएगा, फोटो डाल देना, अगर 1 महीने पूरी नहीं होती तो भीम आर्मी यहाँ समाज पार्टी रोड से उतरेगी। क्योंकि इस परिवार के साथ जो घटना हुई है, इस बार प्रकृति ना चाहे किसी के साथ हो। पहली बात, क्योंकि हमारे वैसे राजनीति बात नहीं करना चाहिए, बहुत दुखद घड़ी है, तब भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे वोट लेके ही सभी सरकार बनती है। इस परिवार को, जो मृतक की पत्नी है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए और जो उनके परिवार को 50 लाख के आर्थिक सहयोग और शासकीय जो जमीन होती है उसकी पट्टा मिलना चाहिए। हाँ, भूमि जमीन जो भी है। तो हम चाह रहे हैं अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो भीमारी यहाँ समाज पार्टी बड़े कार्यकर्ताओं से हम लोग बात करके फिर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है सर, कलेक्टर साहब से ही बोला था हमने, 1 महीने में अगर नहीं होती तो भीमारी यहाँ समाज पार्टी फिर उच्च स्तर का आंदोलन करेगी। धन्यवाद।